तो गाइज अगर आप एक यूट्यूबर है, अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं, फिर भी अगर आपका शॉर्ट्स वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं यार यही भी मैटर करता है कि आप शॉर्ट्स वीडियो को सही तरीके से अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप परफेक्ट तरीके से अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर सकते हैं जिससे कि आपका वीडियो वायरल हो सके। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर YouTube को ओपन कर लिया है। तो YouTube को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे जो प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, इस वाले प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर कैमरे वाले ऑप्शन पर यानी जो शॉर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पर आता है उस पर क्लिक करके अगर आप यहाँ पर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर भी आप 16 सेकेंड का अगर आप डायरेक्ट ऐसे कैमरे से वीडियो को शूट करेंगे तो वहाँ पर भी अभी न्यू अपडेट आया था कि आप वहाँ पर 60 सेकेंड का वीडियो बना सकते हैं। बट अगर आप अपने एडिट किए हुए वीडियो को अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर में क्लिक कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो जो भी 1 मिनट से कम का वीडियो होता है वो आपका यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो में आप अपलोड कर सकते हैं। तो 1 मिनट से कम का जो भी वीडियो है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने अपने एक गेमिंग वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा एक गेमिंग वीडियो है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल के ऊपर में क्लिक कर देते हैं। टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने वीडियो का टाइटल डाल देना है। तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं माई फर्स्ट गेम प्ले। डाल देने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, वो क्या है, यहाँ पर आपको जो आपने टाइटल डाला है टाइटल के आगे मैं आपको यहाँ पर एज टेक शॉर्ट्स करके ये आपको यहाँ पर ज़रूर लिखना है। इससे क्या होगा, आपका वीडियो यहाँ पर YouTube खुद शॉर्ट्स वाला जो फीचर है उसमें ले जाने की पूरी एकदम कोशिश करेगा, यानी इम्प्रेशन भेजेगा। उसके बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है और सेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर कॉपी कर देना है, ठीक है गाइज। तो ये आपको ज़रूर करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अनलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड ये आपका यहाँ पर पब्लिक हो गया। तो इसके लिए इसको आपको यहाँ पर अनलिस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब के अंदर इतना ही काम करना है। अब आपको अपना जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन कर देना है। तो YT स्टूडियो ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना वो वीडियो मिल जाएगा जो आपने अभी अभी यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो अभी यहाँ पर आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। देन एडिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर में, इसी के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडिट के ऊपर में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करके अगर आपने अपने वीडियो की थंबनेल क्रिएट की है तो वो आपको यहाँ पर एड कर देनी है। इससे क्या होगा, रैंकिंग में आपकी थोड़ी सी यहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि हेड टैग के ऊपर में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको अपने वीडियो से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पर टैग्स लगाना चाहते हैं वो लगा देना है। एक टैग यहाँ पर आपको अपने चैनल का भी लगाना है, जैसे कि मैंने अपने चैनल का यहाँ पर एक टैग्स लगा दिए। लगा देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल ऊपर यहाँ पर देख सकती है कि मैंने एक अपने चैनल का टैग लगा दिया है और अपने वीडियो से रिलेटेड आप जो भी यहाँ पर टैग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखाना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपने सोशल लिंक डाल सकते हैं या फिर अपनी कोई वीडियो का लिंक डाल सकते हैं या फिर जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया हाई वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल, अपने वीडियो से रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और डालनी है, वो क्या है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डालना है योर क्वारीज करके अपने वीडियो से रिलेटेड जो टैग्स होते हैं वो डालनी है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा योर क्वारीज, उसके बाद यहाँ पर आपको टैग्स डालने हैं अपने वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने वीडियो से रिलेटेड यहाँ पर 2-3 टैग्स डाल दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से बैक कर देना है और जो आपने यहाँ पर अनलिस्ट किया था उस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पब्लिक उसको कर देना है। पब्लिक कर देने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले सेव पे क्लिक कर देना है। देन इस वीडियो को आपको यहाँ पर सेव कर देना है, यहाँ पर आपकी थंबनेल भी लग जाएगी और ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा।
अब लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब वीडियो को यानी जो यूट्यूब का शॉर्ट्स वीडियो है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आपका वीडियो वायरल हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।